फिर ना मैंने तमन्ना को जोर से तमाचा लगाया, सारी अंग्रेजी निकल गई उसकी, बड़ा मजा आया। चल अब तेरी तलाशी ले। आयला तू मेरी तलाशी लेगी? अरे तू मेरी बहन है ना, जाने देना। मान परी तू ना मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि ना तेरा मन बड़ा अच्छा है, तेरे दिल में जो कुछ होता है तू बोल देती है ना, पर बोलती बहुत ज्यादा है तू। आयला किसने बोला मैं ज्यादा बोलती है? मैं ज्यादा नहीं बोलती, जितनी जरूरत होती है उतना ही बोलती है। पर तेरे को किसने बोला मैं ज्यादा बोलती है? वो मेले बंडिया ने बोला होगा। आयला मैं शपथ खाती है मैंने नहीं। हाय हाय, अब कहीं स्टॉप भी लगाएगी, कैसे बोलती चली जाएगी पटर पटर। चल तलाशी दे खड़ी हो। आयला मैं सच बोलती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जाने दे की जाने देना। बहन मुझे पता तेरे पास कुछ नहीं है, पर तलाशी देने में हर्ज क्या है तू मुझे बता। चल जल्दी कर, भी बहुत टाइम हो गया। चल आजा आजा, आ रही है ना। आजा आयला, एक मिनट, मेरे को ना ऐसा लगता है मेरे को चक्कर आ रहा है, मैं सो जाती है बाद में लेना तलाशी। नहीं तो ऐसा कर, तू बेहोश हो जा। ऐसा क्या, अभी जाती है मैं बेहोश? हाँ फिर मैं ना एक बड़ी बाल्टी पानी की भर के लाऊंगी और तेरे सर पे डाल दूंगी, फिर तेरे को होश आ जाएगा, फिर तेरी तलाशी ले लेंगे। चल आयला, पन काय को छोड़ना? हाँ छोड़ना क्या है, अभी पुलिस वाले पाजी ने कहा है। तू बहन से पुलिस वाली बन गई क्या? छोड़ना अभी काय तलाशी। डायलॉग अच्छा मारती है तू, हैं? बड़े ही डायलॉग बोलती है। बता, चमचे और चाकू आया। एक मिनट मेरे सामने देख। आयला ऐसा मत देख, मेरे को डर लगता है। मैंने चोरी नहीं की आयला, वो इतना बड़ा टेबल था ना, ऐसे 50 ऐसा चमचा रखा था, इधर रहते हैं तो वो शाब और वो मतन्ना इतनी सारी चम्मच का करेंगे क्या बोल के एक दो। जाने देना अभी। आप पता चला कि बेड तेरे को चुभता क्यों था आयला? चल ऐसा घूम। बर्तनों की तो तूने दुकान ही लगा रखी है, सीधी खड़ी रह सीधी। आयला तेरी आईला आईला तेरे को मैं बताती हूँ, छोड़ होती है। हाँ गुदगुदी, ये भी बहुत थे वहाँ पे क्या? एक मिनट, मैं इसको चोरी नहीं की, अगर मेरे पड़ोस में साकू रहती है मेरे को बोली, मेरे को तो यकीन ही नहीं होता कि तू बड़े लोगों की पार्टी में जा रही है, पीरूफ ला के दे तो ये मंजे कहीं ना उसको दिखाने का पीरूफ है। पीरूफ है तेरा है? एक बात कहूँ, बहुत बड़ी चोरनी है तू। ये तू पुलिस वाले को मत बता, नहीं बता ना, तू मेरी बहन है, मैं तेरी बहन है। मनप्रीत मैं एक बात सोच रही हूँ कि अगर भाई भतीजा बाहर चल सकता है तो भैन भतीजी बाहर क्यों नहीं चल सकता? बोले तो का मतलब ये है कि तेरा दिमाग ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है, बोलना। मैं ना उसको नहीं बताऊंगी, क्योंकि तूने उनको ठगा जिनके पास बहुत कुछ है ठगने के लिए। मैं तो कहती हूँ इस कमरे में जो भी चीजें हैं ना, दो चात्र को पसंद वो भी उठा ले। सच्ची? हाँ, वो पुलिस वाले को बोलेगी नहीं ना तू? नहीं नहीं आजा आजा बताती हूँ मैं। आना तू? क्या? अरे आना मेरे पास बहुत, ये देख ये एक, ये गणपति बाप्पा देख देख, ऐसी दूसरी ऐसी दो अच्छी लगती ना घर में जोड़ी बन गई है। ये भी देख जोड़ी बन गई, देख ये लाल एक काला ऐसा उठाया, ये मालूम नहीं लेकिन उठा लिया मैंने। ये क्या है मालूम नहीं, ये भी है, ये भी है, आज एक ऐसी थैली में भर के छुपा के रखा है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, और भी ले 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 जल्दी कर। लेके जाएगी छोटा छोटा हिस्सा, किसी को पता नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आइए आइए आइए। अरे आप लोग खड़े क्यों, बैठिए ना। हम ठीक हैं। अरे नहीं, आप लोग काफी देर से बैठे नहीं होंगे, इनफैक्ट सुबह से पार्टी की तैयारी में बैठने का मौका ही नहीं मिला होगा, बैठिए ना प्लीज। मैंने कहा ना हम ठीक हैं। अब देखिए मैं इतने प्यार से गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आपके पास ऑप्शन है, बैठें या नहीं बैठें, ऐसा है नहीं। बैठिए। हाँ तो ये कहाँ से लिया था मैडम? क्या ये बेडशीट? व्हाट? देखिए ना, मुझे कल अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पे जाना है, का फोन भी आया था इसलिए अचानक याद आ गया। अब देखिए ना, मेरी जिंदगी की इतनी छोटी सी बात मुझे अचानक याद आ गई।
आपको भी हो सकता है कुछ याद आ जाए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। सच? अच्छा आप जरा अपना फोन देंगे मुझे? फोन से याद आया कि आपकी बीवी ने आपको कहा था कि आपको बिल पेमेंट करना है, ओ या फिर आपका फोन डेड है, या फिर यू नो आई डोंट केयर। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा था कि आपने आज किस किस को फोन किया, आप यूं ही उखड़ गई। हाउ डज इट मैटर? बताइए ना, याद कीजिए प्लीज। अब मुझे याद नहीं है, मैंने अपनी फ्रेंड से बात की थी, ड्रेस डिजाइनर से बात किया था। आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर द डिटेल्स। कोशिश कीजिए ना, शायद याद आ जाए। कीजिए। तो इसका मतलब है कि आपको अच्छी तरह याद है कि आपने कहीं और बात नहीं की थी। मैं कितनी बार बताऊं आपको? How many times? एक बार और। I don't remember. Is that clear? Actually, very clear this time. But do you remember this? आपका ही फोन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। So? लेटेस्ट पीस। मैं काम करता हूँ, मैं एक फोन नंबर लगाता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप उन जनाब से बात करें। एक्सक्यूज मी, किस से? वो पता चल जाएगा अभी, आप देखिए तो। और दिलीप साहब, इस फोन में एक स्पेशल फीचर ये है कि इसमें स्पीकर फोन लगा हुआ। स्पीकर फोन समझते हैं ना आप? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि तमन्ना जी की बात तो हम सुनेंगे ही, सामने वाले की भी बात सुन सकते हैं हम। जस्ट देखते जाइए ना सर, एक मिनट। हाँ हेलो, तमन्ना जी बात करेगी आपसे, एक मिनट। I don't feel like talking. Please जिद मत कीजिए, बात कर लीजिए। I have the I said right. Please talk. Yeah? What? Talk. ऐसे? Hello. Hello madam. मैं आपका ही फोन ट्राई कर रहा था। आपने जो कहा था वो सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं मैडम। ओके थैंक यू वेरी मच। आपके टिकट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं, दैट्स द ओनली थिंग। ओके थैंक यू। बट एक्चुअली मैडम टिकट का प्रॉब्लम होता भी नहीं अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट के लिए इंसिस्ट नहीं करती तो। ओके मैं आपसे बाद में बात करती हूं, मैं इस वक्त जल्दी में हूं। आई विल टॉक टू यू लेटर। बट डोंट वरी मैडम, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज़ वाया लंदन एंड वाया सिंगापुर फ्लाइट्स अवेलेबल है ना। तो अगर आप कहें तो मैं उसमें बुक कर दूं। ओके दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। मैडम जस्ट वन मोर थिंग, मनी ट्रांसफर भी ऑलमोस्ट हो गया है, मैं डिटेल्स बता देता हूँ और बाद में आप जैसा कहेंगी वैसा हो जाएगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जस्ट अ फ्यू सेकंड्स मैडम, मैं जानता हूँ मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, बट लेट मी टेल यू दिस, आपके मेन अकाउंट का सारा पैसा ऑफिशियल है और वो सब वहाँ के नेशनल बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया है। बाकी सारे पैसे स्विस अकाउंट्स के थ्रू आपके पास पहुँच जाएंगे। आई होप कि आपके पास इन दो दिनों के लिए काफी कैश होगा। आई सर आई एम ओके। लोग कुत्ते को घुमाते हैं, ये किसे घुमा रही है? मनप्रीत कितना अच्छा है ना, मेरे को बहुत पसंद है। सुन जाते हुए ना इसे साथ ही ले जाना। सच्ची? देखो जी सब लोग मेरी बात गौर से सुनो, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और वो जो पुलिस वाले प्राजिया ना ऐसे ही सबसे पूछताछ करते रहेंगे। ये मतलब वो सिलसिला क्या न्यू चलता रहेगा? भाई हम सुबह में घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ, इस गलत फहमी में मत रहना। जब तक पाजी को ये नहीं पता चल जाता कि खूनी कौन है, वो किसी को नहीं जाने देंगे। अरे तूने तो सबकी तलाशी ली थी ना, तेरे को किस पे शक है? मेरे शक करने से क्या फर्क पड़ता है, पर मुझे ऐसे लगता है कि ये जो खून है ना वो तमन्ना ने किया है। मेरे को नहीं लगता, वो माता ना है ना खड़ूस है, सटप सटप बोलती है, परकटी है, लेकिन वो खून नहीं कर सकती। अच्छा अयो मैं आपको एक बात बताती, खून हम में से कोई एक किया
मेरे को मालूम है किसने किया, इसने इच किया होगा, मेरे को सलाह जहर देखे हम मार परी मेरे को छोड़ो रुक बातों को मन से नहीं लगाते मार मारेगी ये दूसरा भी मारेगी मैं इसको बैठ जा अरे बंद करो रे पहले मुन्ना के खून के बारे में सोचो अला मुझे तो लगता है अपने को पता करना चाहिए कि खूनी कौन है अरे भाई मन्ने तो नहीं लगता है कि वो जो ससुरा पागल है ना वही खूनी है लेकिन वो पागल है कहाँ बहुत देर से दिखा नहीं ऐसे ही घूमने फिरने गया होगा भी एक जगह टिक कर नहीं वो बैठ सकता पर खून नहीं कर सकता वो अरे तू इतने विश्वास से कैसे बता सकती है मैं जानती हूँ ना उसको अय्या मेरे भाई से लगती यह सब का प्रॉब्लम का वजह आप ही ओए खोतिया मैंने क्या किया है अरे मैंने बोला था ना तेरे को पार्टी में सिर्फ एक ही जन को बुलाने का लेकिन तूने ये येड़े इसको चौधरी को भी बुला लिया वो पागल को भी बुला लिया मैंने बाद में पागल को फोन करके मना कर दिया था भाई अब वो आ गया तो मैं क्या कर सकती हूँ अरे वही तो हंगामा हो गया ना गड़बड़ कर दिया ना पार्टी में 11वां पहुंच गया हो गया मुन्ना का फुलटू तेरा मतलब ये है कि खून मैंने किया ये बंडिया येड़े हो गया क्या तू अरे येड़ा मैंने येड़ा ये हो गई है ये तू नहीं ओए तेरी इतनी हिम्मत ठहर जा मैं तेरे को बताती हूं ए ए चप्पल ए चप्पल अयो अयो क्या कर रही है हट जा चप्पल ए चप्पल से नहीं ये तो मारूंगा जूते से नहीं मारना अरे क्या करूंगा अरे चप्पल अरे छोड़ नहीं आज तक पड़ी अब तू चप्पल से ए चप्पल ए तेरे को बोल देता हूं मैं अयो अरे मत अरे अरे मेरी बैंडेड क्वीन क्या काम लाग रही है तू जा रही है क्यों गई तू जा रही है क्यों जा रहा आप अपने आप को समझते क्या है आपने मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की एंड देन विदाउट माय परमिशन बिना मुझे बताए आपने मेरा फोन टैप किया दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ गुस्सा बहुत आता है आपको आपने मेरा गुस्सा देखा ही कहा है मैं इतनी देर से चुप रही हूँ इसका ये मतलब नहीं कि आप आपको अंदाजा नहीं कि मेरी पहचान कहां तक है चीफ मिनिस्टर्स तक मेरी पार्टीज में आते हैं लेकिन इस पार्टी में तो काम वाली बाई ऑटो रिक्शा ड्राइवर बियर बार की डांसर यही लोग आए थे और वो ऐसी पार्टी जहां दिलीप साहब की सारी कमाई लगी थी अगर ये हार जाते तो बेचारे सड़क पे आ जाते आपको इन बातों से लेकिन अगर आप हार जाती तो इनको देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी आपके पास इन बातों से क्या मतलब है आपका लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है दिलीप ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्या ये सच है कि तुमने अपने सारे पैसे फॉरेन बैंक्स में ट्रांसफर कर दिए दिलीप मेरी बात सुनो तुम और अगर ये शर्त तुम हार जाती तो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी इट्स जस्ट दैट और तुम मुझे बगैर बताइए देश छोड़ के भागने वाली थी दिलीप लिसन टू मी बस सब सुन लिया मैंने अब कुछ नहीं सुनना मुझे मैं तुम्हें अब आप क्या करेंगे सर इनका खून करेंगे आई एम नॉट क्रेजी अरे क्रेजी तो यहाँ सब कुछ है दिलीप साहब ये पार्टी आप दोनों के बीच की शर्तें आप दोनों का टेंपर जीतने के जुनून में शायद इन्होंने ही मुन्ना का खून किया हो पागल हो गए हो तुम अरे जुनून का दूसरा नाम पागलपनी तो है अब जैसे मुझ पे ये केस सॉल्व करने का जुनून सवार है पागल तो मैं भी हूँ इसलिए आप सब पर इल्जाम लगाते फिर रहे इल्जाम लगा रहा हूँ धोखा तो नहीं दे रहा हूँ जैसे आपने इनको दिया मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया ये मैटर सुलझ जाने दो उसके बाद देखेंगे कि तुमने मुझे धोखा दिया कि नहीं क्या कर लोगे तुम We will see. यहां से चलें? आप जाइए मैं यहीं ठीक हूं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुन्ना का केस सॉल्व होने के बाद मुझे यहाँ फिर से आना पड़ेगा आपका या आपका मर्डर केस सॉल्व करने अगर आप दोनों को यहाँ छोड़ दिया तो दोनों में से एक तो चल ही बसेगा तमन्ना जी आप चलिए यहां से चलिए चलिए आप यहीं रुकिए और ये कॉन्वर्सेशन फिर से सुन लीजिए सर मनोरंजन हो जाएगा
तमन्ना प्रमिला आई नीड योर हेल्प. क्या हुआ तमन्ना? आई वॉन्ट टू नो वट आर द चार्जेस आई कैन प्रेस अगेंस्ट दिलीप एंड पुजारी. वॉट? क्या कहा तुमने? मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि मैं पुजारी और दिलीप के खिलाफ कौन कौन से केसेस फाइल कर सकती हूँ. तमन्ना, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम इतना हाइपर हो रही हो? हाइपर? प्रमिला, ये जो भी हो रहा है ना, मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है. वो पुजारी, उसने उसने मेरे और मेरे लॉयर के बीच हुई सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं. रिकॉर्ड की? क्यों? मीन उसने तुम्हारा फोन टैप किया? नहीं, उसने मेरे सामने स्पीकर फोन के ऊपर हमारी सारी बातें सुन ली. तो तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी. मैंने कोशिश की कि मैं बात ना करूं, लेकिन इससे पहले कि मैं डिस्कनेक्ट करती, मेरा लॉयर बहुत कुछ बोल गया. क्या बोल गया? Well, क्या बोल गया तमन्ना? बताओ. कुछ नहीं, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि दिलीप और पुजारी के खिलाफ मैं कौन कौन से केसेस फाइल कर सकती हूँ. That's it. देखो, मुझे नहीं पता कि दिलीप ने ऐसा क्या किया है जो तुम उसके खिलाफ केस करना चाहती हो. Okay, forget about दिलीप. पुजारी, बिना परमिशन के फोन टैप करना इलीगल है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया. ना ही उसने तुम्हें टच किया, ना ही मारा है. इसलिए मेंटल हैरेसमेंट से ज्यादा कोई केस नहीं बन सकता. मेंटल हैरेसमेंट? गुड. उसके लिए कितनी सजा मिल सकती है उसे? बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि पुजारी एक पुलिस ऑफिसर है और उसने मौका वारदात पर हमें डिटेन किया है. इसलिए मेंटल हैरेसमेंट का केस बनना भी मुश्किल है. दैट्स इट. सो वी हैव नो अदर चॉइस. तुम कहना चाहती हो कि हम बिल्कुल ही हेल्पलेस हैं, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं. वी आर रिच एंड फेमस एंड हेल्पलेस. ग्रेट, व्हाट अ कॉम्बिनेशन. और इतना ही नहीं, तुम लोग एक शर्त में भी इन्वॉल्व हो, बेटिंग, व्हिच इज इलीगल. कि ऐसा ना हो कि पुजारी को फंसाने की कोशिश में हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं. प्रमिला, तुम फिक्र मत करो. तमन्ना, पुजारी नहीं बचेगा, और इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ. मैं कोई भी पुराना एनकाउंटर का केस निकाल के उसे फंसा दूंगी. What the hell? अब क्या शोर मच रहा है? रिलैक्स तमन्ना, जू के कुछ जानवर आपस में लड़ रहे हैं और बाकी के चीख रहे हैं, एज यूजुअल. बड़ों को घुमा दें. आप क्या समझते हैं?